इसको देखने के लिए ना सब लोग बाहर आ गए थे। हमारे सामने है कार्तिक भाई। देखो सामने कौन सी बाइक है ये? H2 भाई। ये देखो नाम चरस भाई, इसने सच में चरस बोल रखा है। फोन ये ऐसे और ऐसे घुमाते हो, उसको वीडियो कट करके ऐसे फ्लिप करते हो। ऑल्दो मैं हमेशा यही कहूंगा कि पहले बाइक पे बिल्कुल परफेक्ट हो जाओ तब करो। हायाबुसा को कभी 140 से ऊपर नहीं चलाना। भैया डिलीवरी की ना तैयारी होगी और भाई बाइक ना जब अब डिलीवरी होगी ना आप देखोगे कितनी प्यारी लग रही है। फिलहाल अभी इसको रैप कर रखा है और जिनकी डिलीवरी है ना भाई उधर पे है और जल्दी से अभी 10-15 मिनट में इसकी डिलीवरी जाएगी। तो भैया डिलीवरी से पहले देखो सामने कौन सी बाइक है ये? H2 भाई, क्या रैप कर रखी है, पूरी कार्बन रैप है। और ये भाई कौन है पता है तुम्हें? ये है हमारे अर्नी भैया टर्बो एक्सिल। और भाई बाइक देखो कितनी प्यारी लग रही है और See this guys, कार्बन पूरा कार्बन, H2 में पूरा कार्बन हो रखा, बहुत प्यारी लग रही है भाई, एक नंबर आग लगा दी इसने तो। इसको देखने के लिए ना सब लोग बाहर आ गए थे, जैसे ये पहुंची ना यहाँ और सब आ गए। ये भाई आपको शायद पहले आपने देखी होगी, अभी इसको पूरी रैप कर दी है। अनुराग की जब डिलीवरी थी ना, UK07 की डिलीवरी थी, उस समय ये वाली बाइक आई थी यहाँ, तब लेके आयुष भाई इसको लेके आए थे और उसके बाद इसको अर्नी भाई ने परचेज कर लिया। तो अर्नी भाई के पास ये वाली बाइक है और हमारे सामने है कार्तिक भाई। कार्तिक भाई कैसे हो? बढ़िया यार। तो भाई कार्तिक भाई ना सीधे पहुंचे हैं MP से और कल आप आने वाले हो काशीपुर? अरे बिल्कुल, कल काशीपुर जाएंगे। दिल्ली कैसी लग रही? गर्मी वहाँ MP में ज्यादा है, यहाँ गर्मी ज्यादा है? अरे यहाँ लगभग ट्रैफिक में गर्मी का सीन नहीं है, मेन है ट्रैफिक बहुत है यार। 50 किलोमीटर 30 मिनट में करते हैं या 50 किलोमीटर डेढ़ घंटा दो घंटा 24 किलोमीटर बचा था दिल्ली मेरा यहाँ पहुँचने में। तो भाई कम से कम डेढ़ घंटा लग गया मुझे यहाँ पहुँचने में 24 किलोमीटर। यहाँ 2 बजे आना था, हम फरीदाबाद से 12 बजे निकले। अच्छा 2 घंटे हो गए, बाप इतना टाइम हो जाता है भाई, टाइम लग जाता है। गर्मी तो MP में जाना होगी भाई। ना ना यहाँ है, हमारे उत्तराखंड जैसा है। अरे बिल्कुल मजेदार, सुन स्मार्ट एकदम रोड। लेकिन जो भी कहो यहाँ आके अर्नी भैया भी आ गए। अर्नी भाई की बाइक ना भाई एक नंबर। और ये देखो नाम चरस भाई, इसने सच में चरस बोल रखा है यार। डिलीवरी में ना अभी थोड़ा सा टाइम बाकी, लेकिन ना हमारे सामने कौन है भैया? अर्नी भैया कैसे हो भैया? बस बढ़िया है, बस आप ही का इंतजार था। अच्छा एक चीज बताओ, जो फोन ये ऐसे और ऐसे घुमाते हो हाँ। तो फिर वीडियो कट करके ऐसे फ्लिप करते हो? करना होता है। नहीं तो मैं उल्टा उल्टा हो जाऊंगा। आप ठहरे कैमरा वाले, हम ठहरे आईफोन वाले। सर मैं भी अभी ये कैमरा मेरा गया हुआ है सोनी सर्विस सेंटर रिपेयरिंग के लिए। तो भैया आज तो अच्छी बात भैया है, तो डिलीवरी भैया की आती होगी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है और बहुत ही खुश हूँ मैं, क्योंकि मतलब हमेशा अच्छा लगता है जब अपने आसपास के जितने भी भाई होते हैं वो अचीव कर रहे होते हैं चीज़ें और बेटरमेंट कर रहे होते हैं लाइफ में। और कहीं ना कहीं एक और फ़ायदा हो जाता है कि साथ में चलते टाइम, जैसे एग्जाम्पल आयुष भैया के पास पहले Z900 थी, ठीक है आप बुक्सा ले लेंगे, तो पहले Z900 में भी वो ऐसा नहीं है कि साथ में नहीं चल पाते थे, बट अभी क्या एक कॉम्पिटिशन रहेगा, एक साथ में चलने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। एक हाइपर राइडिंग जैसे उनको भी काफ़ी शौक है। ऑल्दो मैं हमेशा यही कहूँगा कि पहले बाइक पे बिल्कुल परफेक्ट हो जाओ तब करो, बट जब वो हो जाएंगे परफेक्ट तब डेफिनेटली एक हाइपर राइडिंग करने का भी मज़ा आएगा। बट हाँ हम कवर अप करके रखते हैं, स्पीड में जब आगे निकलना होता है पहले आगे निकल जाते हैं फिर आगे आगे धीरे धीरे। इस चीज़ में डूबूंगा, स्पीड भैया की रहती है 300+। नहीं रहती है, अब बंद कर दी। अब बंद कर दी। मैंने आया था भैया, मैंने जितनी वीडियो देखी ना भैया की, पहले मैंने हायाबुसा को कभी 140 से ऊपर नहीं चलाया। मैंने देख रखी है सर। कहाँ देख रखी है? वीडियोस में आपके चलती नहीं हो, पहले गियर में 140 से ऊपर नहीं चलती। पहले गियर नहीं चलती ना, उसके बाद तो चलती है। हायाबुसा तो भैया की फेवरेट, पहले हायाबुसा चलाते थे और भैया ने ले ली नई वाली वायरल S1000। वायरल भी तो है, वायरल ही अपनी हायाबुसा है, ब्लैक माफिया है, ब्लैक माफिया S1000 है। एंड अभी एक और बाइक मिली है चरस। चरस तो भैया ये नहीं, चरस आपकी मैंने दिखा दी भैया, चरस को दिखा दिया। अच्छा बहुत ही बढ़िया। तो भाई आप जल्दी से तैयारी करते हैं डिलीवरी की और उसके बाद आपको दिखाते हैं कुछ सिनेमैटिक शॉट। तो भैया करते हैं तैयारी? तो भैया डिलीवरी होने में ना बस थोड़ा सा टाइम है। तो हमारे ये भैया है आयुष भाई जिनकी गाड़ी है। तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन पहले ही आपको। आज के जो चीफ गेस्ट है वो कौन है? हमारे अर्नी भाई। और ये जो है ये हमारे हायाबुसा के बारे में बताओ, जो ये हायाबुसा है ये ना उत्तराखंड में आग लगाने वाली है। बिल्कुल बताओ यार इसके बारे में, क्या चेंज करवाया आपने? अब ये तो भाई अभी जब
घूंघट उठेगा तो सब पता चल जाएगा। भाई ने बिना घूंघट उठे सब कुछ देख ही लिया है, देख लिया, लेकिन अभी तक आपको नहीं बताया। इन्होंने मेरी दुल्हन को छेड़ा है, इसका जुर्माना ये है भाई की। पार्टी लेंगे हम, अभी तो नवरात्रि है, नवरात्रि से कहते हमारी कोई पार्टी वगैरह नहीं बनी, लेकिन जैसे नवरात्रि उठेगी ना तो एक पार्टी तो भाई से बनती है यार। फुल उत्तराखंड काशीपुर में हम लोग मीटअप करने वाले हैं, बस तरीके से सारे भाई आएंगे और सब लोग ना आग लगा देंगे। और खुशी कितनी है, खुशी कितनी है ये बताओ। खुशी भी है, टेंशन भी है, क्योंकि भाई जब पेमेंट लगती भी और जाती भी है ना, तो मतलब एक तो थोड़ा खुशी थोड़ा कम भी होता है, बल्कि खुशी सब बहुत ज़्यादा है। शायद चेहरे पर समझ में आ रहा हूँ, लेकिन क्योंकि सब भाइयों का ध्यान भी रखना है और सब कुछ मैंने अकेले देखना है, तो मैं वही कर रहा हूँ। क्योंकि ना यार ये जो बाइक है ना, ये हर एक बाइकर का सपना होता है, एक बार हायाबुसा तो लेनी है, उसके बाद तो भाई ऊपर ऊपर बनते रहो, हायाबुसा जरूर लेनी बनती है। बात ऊपर जाने की और नीचे जाने की नहीं है, एक के साथ चले, एक लाइन में चले, सही चले, जिससे कि आगे पीछे वाले को भी दिक्कत ना हो और आपकी जगह सही हो। तो भाई अब जल्दी से इसकी डिलीवरी करवाते हैं, उसके बाद चलते हैं। डिलीवरी और सिनेमैटिक शॉट्स के साथ देख लेंगे और भाई साथ भी रहेंगे हम लोग यहाँ से काशीपुर, यहाँ से काशीपुर से हल्द्वानी की तरफ निकलेंगे। तो बस थोड़ा ही टाइम इंतजार करो, डिलीवरी में ना अभी बहुत सारा टाइम बचा हुआ है अभी भी, तो हमने क्या करा, अपने लिए तो कॉफ़ी मंगा लिया और औरों के लिए मंगा दिया मैकडोनल्ड से बर्गर, और यहाँ रखी है ये डाइट कोक। भैया हम तो नहीं पी पाएंगे आज, आज हमारा व्रत है, नवरात्रि का व्रत चल रहा है, तो हम सिर्फ कॉफ़ी से काम चला लेंगे। डिलीवरी तो भाई डिलीवरी की ना तैयारी हो गई और भाई लाइट्स चमक रही है ना इसकी, तो अभी थोड़े समय चल जाएगा कौन से कलर में कौन सी हायाबुसा आज डिलीवरी हो रही है। हो गई है गाड़ी की, अब पर्दा भी उड़ गया, लेकिन पर्दा उठते समय ना मेरे कैमरा हैंग हो गया। बस यहाँ से ना जल्दी से हम चलते हैं अपने लोकेशन पे। एक्चुअली ना मुझे गुड़गांव में थोड़ा सा काम है, उससे पहले मुझे करोलबाग जाना है एक बूट लेने के। तो भाई देखो यार मैं ऐसे ऐसे राइड कर रहा हूँ और बिना बूट के ना मुझसे राइड नहीं होता है, तो मुझे ना बूट लेने भी जाना है करोलबाग। तो जल्दी से करोलबाग जाते हैं और बूट वगैरह लेके फिर चलते हैं गुड़गांव। और ना भाई बहुत लेट हो गया, क्योंकि टाइम था डिलीवरी का 2 बजे का, लेकिन 2 से ये देखिए 5 बज गया। तो भाई चलते हैं यहाँ से अपने काम निपटाने के बाद गुड़गांव को। भैया चलो भाई, अच्छा लगा मिलके, मिलते हैं दोबारा, ठीक है? ओके कार्तिक भाई, जरूर आया आपसे बात करके, जरूर बहुत जल्दी, अभी ये तो पूरा लद्दाख घूम चुके हैं, तो अगली बार अपन साथ में जरूर जरूर जरूर, और हल्द्वानी आओगे तो जरूर मिलना, ठीक? अन्नी भैया चलते हैं, बस आपको एक रिक्वेस्ट है, आप जरा अपनी हायाबुसा निकालोगे तो मैं अपनी हिमालय निकाल लूंगा। तो भाई अभी हायाबुसा के डिलीवरी के आज ना हम लगभग लगभग 1.5-2 घंटे से करोलबाग आ जाते हैं, लगभग 5 मिनट का रास्ता था, लेकिन इतना जाम, हर चौराहे पे एक एक जाम का रास्ता मिला। यहाँ से चौका मार चौका चौक का आ गया और यहाँ से मुझे लेना है एक राइडिंग। तो भैया हम आ गए हैं गुड़गांव और गुड़गांव में अपने एक दोस्त के रूम पे पहुँच गए हैं। तो करोलबाग में जो काम निपटाना था ना बूट वाला, वो एक्चुअली हो नहीं पाया और ब्लॉग बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, क्योंकि ना इतना सर दर्द हो रहा था, जो H2 थी ना H2 के साउंड से मेरे सर में इतना दर्द हो गया था कि मेरा मन ब्लॉग करने का बिल्कुल नहीं कर रहा था। तो जैसे तैसे दिल्ली के ट्रैफिक क्रॉस करते हुए फिर हम पहुँच गए गुड़गांव, और गुड़गांव में तो उसके रूम पे रुके हुए। तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो जल्दी मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।